स्माइल ग्रीटिंग्स। ये स्माइल मेडिटेशन जो प्रोफेसर ने दिया है, मेडिटेशन वैसे सब जानते हैं और भारत में तो सभी लोगों को मेडिटेशन के बारे में पता है, लेकिन प्रोफेसर ने जो स्माइल मेडिटेशन हमें दिया वो कुछ अलग है। उसका बेस जो है वो ट्राई ओरिजिन कंसेप्ट है, ट्राई ओरिजिन थ्योरी है। ये ट्राई ओरिजिन थ्योरी क्या है, ये अभी इतने दिनों में हमने जाना है और जो सुजोक वाले हैं उनको तो इसका पता है। ये एपिसोड, ये प्रोग्राम जो सुजोक वाले नहीं है, बगैर सुजोक वाले देख रहे हैं, उनके लिए ट्राई ओरिजिन कंसेप्ट उनको मालूम नहीं होगी। ट्राई ओरिजिन कंसेप्ट में प्रोफेसर ने हमें बताया है कि चार मूलभूत फंडामेंटल फोर्सेस है, बल है, और उनका एक्शन इंटरैक्शन चलता है, जिसके कारण इस दुनिया में, इस दुनिया, ये सृष्टि उसी के उन बलों के आधार पे चल रही है। सभी जगह ये बल दिख रहे हैं, इनके एक्शन इंटरैक्शन दिख रही है। कोई भी यहाँ की इस सृष्टि में कोई भी चीज, सजीव निर्जीव, लिविंग बीइंग नॉन लिविंग, विजिबल इनविजिबल, जो भी कुछ दिख रहा है, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के व्यवहार में भी, हमारे बिहेवियर पैटर्न में, यानी मानसिक शारीरिक सभी जगह जो कुछ हो रहा है, ये चार फोर्सेस का एक्शन इंटरैक्शन होता है। ये एक्शन इंटरैक्शन का एक रूल है, उसके कुछ नियम है। अगर ये नियम हमें मालूम होते हैं तो हमें इस एक्शन इंटरैक्शन को सही तरह से हम उसका यूज़ कर सकते हैं, उसका वापर कर सकते हैं। और प्रोफेसर ने ये सब रूल्स हमारे सामने रखे और उसके आधार पे स्माइल मेडिटेशन की उन्होंने ये कंसेप्ट हमें दे दी। तो स्माइल मेडिटेशन ये चार फंडामेंटल फोर्सेस के आधार पे ये कंसेप्ट है। तो ये मेडिटेशन अलग मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो ये मेडिटेशन में ऐसा नहीं है आप मेडिटेशन करते रहो करते रहो करते रहो उसके फल इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेंगे, ऐसा नहीं है। अब हम मेडिटेशन कर रहे क्यों कर रहे, ये अगर हम लोग तय कर लेते हैं किसके लिए हम मेडिटेशन क्यों करेंगे मेडिटेशन, तो उस चीज़ के लिए मेडिटेशन जब हम करेंगे, कौन सा फोर्स चाहिए उस मेडिटेशन के लिए, कौन सा फोर्स चाहिए, तो अभी इतना हम पर्टिकुलर हो जाएंगे कि हमें जो काम है हमारे लाइफ में, हमें जो करना है, क्या करना है। हर एक की अलग अलग पहचान है, आइडेंटिटी है, हर एक का लाइकिंग अलग है, कुछ उसके प्रिंसिपल्स, उसके उसका लाइफ का मकसद, लाइफ का इंटेंशन, पर्पज़ हर एक का अलग है। तो उस पर्पज़ के लिए मेडिटेशन हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा प्रोफेसर ने हमें यह मेडिटेशन दिया है। किसमें उस पर्पज़ के लिए कौन सा फोर्स अभी आवश्यक है, तो आवश्यक फोर्स लेके हम मेडिटेशन करेंगे। जैसे मुझे बॉडी के लिए अगर मेडिटेशन करना है, मेरी बॉडी अच्छी रहनी चाहिए, तो मुझे एक उसका होमो फोर्स का यूज़ करके मेडिटेशन करना है। मुझे माइंड का मेडिटेशन, माइंड के लिए अगर मेडिटेशन करना है, तो हिट्रो फोर्स जो है उसके ऊपर, उसको लेके मुझे मेडिटेशन करना है। मुझे सोल के लिए, आत्मिक बल के लिए अगर मेडिटेशन करना है, तो सोल चैनल उसका मेडिटेशन करना है। इस तरह से हमें जो चाहिए, लाइफ का पर्पज़ क्या है, मेरे मेडिटेशन का पर्पज़ तय करके मैं मेडिटेशन करूँगा। इसके लिए ये जो स्माइल मेडिटेशन है ये बहुत फ्रूटफुल है। जैसे उस प्रोफेसर ने हमें सुजोक दिया, फास्ट एक्टिंग विथ स्टेबल रिजल्ट्स, ये सुजोक है, ये अपने सबको मालूम है, आपको सबको मालूम है। वैसे मेडिटेशन भी ऐसे दिया, फास्ट फ्रूटफुल, उसके फल तुरंत मिल जाएंगे आपको, ऐसे मेडिटेशन दिया। तो इस मेडिटेशन में, लास्ट एपिसोड में आपने सोल मेडिटेशन प्रैक्टिस की, जान लिए, वो था न्यूटो मेडिटेशन था, और आज हम न्यूटो के बाद आने वाला हिट्रो मेडिटेशन की आज हम जानकारी लेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। हिट्रो मेडिटेशन यानी माइंड वाला मेडिटेशन। आपको मालूम है अपना माइंड कितना चंचल है और माइंड की ताकत क्या है, ये भी हमें मालूम है, साइंटिफिकली इट इज़ प्रूव्ड। और माइंड का हम कितना पार्ट यूज़ करते हैं वो भी मालूम है। तो अगर माइंड सही तरह से यूज़ किया जाए, यानी माइंड के साथ, माइंड न्यूट्रो फोर्स, माइंड हीट्रो है क्योंकि वो इधर उधर भाग रहा है, हीट्रो फोर्स
उसके अंदर है और वो इधर उधर भाग रहा है। वो कभी हिट्रो होता है, कभी होमो होता है, क्योंकि इसमें क्वालिटी क्या है, चेंजिंग क्वालिटी, हिट्रो क्वालिटी है। तो इसमें बार बार चेंज हो जा रहा है माइंड, और उसके साथ अगर न्यूट्रो फोर्स के साथ, यानी न्यूट्रो यानी स्माइल, स्माइल के साथ अगर माइंड रहेगा तो माइंड में संतुलन आ जाएगा और वो एक क्रिएटिव माइंड बन जाएगा, सर्जनशील माइंड बन जाएगा। अब हमारा सबका जो माइंड है वो हिट्रो स्टाइल में इधर उधर घूम रहा है, अभी एक जगह फिर दूसरी जगह, इस कल्पना पे, इस कल्पना पे, सभी जगह। लेकिन जब फोकस हो जाएगा स्माइल के साथ, तब उसमें क्रिएटिविटी आ जाएगी, हम सर्जनशील, कुछ क्रिएशन हो जाएगा। तो चलो आज हम इस माइंड को क्रिएटिव माइंड, एक संतुलित माइंड बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये माइंड अगर आपका संतुलित हो गया तो आप जो कुछ चाहते हो वो आप पा सकते हो, जल्द से जल्द पा सकते हो। जो नहीं चाहते हो, अनचाही चीज़ें को आप टाल सकते हो बहुत आसानी से। चाही चीज़ों को पा सकते हो, अनचाही चीज़ों को टाल सकते हो विथ ईजी वे। जल्द से जल्द आप ये सब कर सकते हो। जिधर जिधर चाहिए आपको, जिधर जिधर माइंड का काम आ रहा है, आपके रिलेशनशिप, आपके कामकाज, कहीं भी जहाँ भी माइंड वर्क कर रहा है वहाँ वो क्रिएटिव माइंड बन के वर्क करेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदे दे देगा। तो ये क्रिएटिव माइंड हम आज करते हैं, माइंड को संतुलित करने की प्रक्रिया। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करना है अपने को, तो पहले तो हम बॉडी लेवल पे माइंड में एक सांस की गति, डीप इनहेल एक्सहेल हम करेंगे और वो जल्दी जल्दी करेंगे, फास्ट, रैपिड रैपिड इनहेल एक्सहेल प्रोसेस करेंगे। ये रैपिड इनहेल एक्सहेल प्रोसेस यानी हिट्रो होमो चलेगा। उसके बाद में माइंड उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हुए माइंड अपने आप थक जाएगा और हिट्रो होमो के पीछे भागना छोड़ देगा और न्यूट्रल बन जाएगा। तो हो गया न्यूट्रल माइंड, उसके साथ अब स्माइल जोड़ना है। फिर हम स्माइल को जोड़ेंगे, न्यूट्रल माइंड, जब माइंड न्यूट्रल होगा स्माइल को जोड़ेंगे और बाद में उसको फोकस किसी आइडिया पे करेंगे। तो इस टाइम आप एक आइडिया, हम करते एक आइडिया पे अभी फोकस करेंगे। हर एक के दिल में अलग अलग आइडिया, अलग अलग कल्पना होती है। तो अभी इस टाइम एक आइडिया ये लेते हैं हम लोग कि अपने आप को अपग्रेडेड डेवलप फॉर्म में देखते हैं माइंड लेवल पे। मैं अपने आप को कैसे चाहता हूँ, कैसे देखना चाहता हूँ, इसको देखेंगे हम लोग। तो इसके ऊपर हमारी कल्पना हम करते जाएंगे, फोकस करते जाएंगे कि मैं कितना सुंदर, कैसे कैसे लग रहा हूँ, ये करते जाएंगे। बाद में मेरे रिलेशनशिप में कैसे हो रहा है, मेरे कामकाज के इधर क्या हो रहा है, ये सभी जगह में अपने आप को फोकस करते करते हम यात्रा करते करते आगे निकल जाएंगे, पूरे वर्ल्ड में घूम के आएंगे। दिस रियल वर्ल्ड, जीरो वर्ल्ड और बियॉन्ड वर्ल्ड हम लोग एक सफ़र करके आएंगे, एक पूरी जर्नी के साथ हम फिर से बॉडी में आएंगे। तो ये हो जाएगा और ये मेडिटेशन में जब बाहर आएंगे तो वो प्रक्रिया में हम क्या करेंगे कि बाहर आने के बाद, जैसे हमारा बर्थ, न्यू बर्थ, नवजात शिशु की तरह, न्यू बॉर्न बेबी की तरह, इस दुनिया को आँख खोलने के बाद एक वंडर वर्ल्ड है करके हम देखेंगे दुनिया को, जैसे बच्चा देखता है, वैसे वंडर वर्ल्ड की नज़र, वंडर वर्ल्ड इस नज़र से हम, इस भावना से हम वर्ल्ड को देखें, आजू बाजू में देखेंगे। तो ये अपना प्रोसेस रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। आंखें बंद करेंगे और डीप इनहेल एक्सहेल, लेकिन फास्ट, रैपिड।
जब ऐसे लग रहा है कि हम थक गए, तब रिलैक्स होना है, सांस की गति अपने आप धीमी हो जाएगी, धीमी हो रही है, रिलैक्स रिलैक्स। मन का भागना कम हो गया, रुक गया, कोई विचार अब नहीं है, मन पूरी तरह से ठहरा हुआ है एक जगह पे, एक जगह पे आ गया, फोकस माइंड। मन ठहर गया है, रुक गया है, उसकी चंचलता अब खो गई, पूरी तरह से विचार थम गए हैं। ये आनंद की स्थिति, ये आनंद की स्थिति का अनुभव, स्माइल। अगर सांस के साथ स्माइल बढ़ रही, आनंद की भावना बढ़ रही है, सांस आती है इन्हेल, तो आनंद ओठों पे दिख रहा है, एक्सहेल के समय भी वो ओठों पे जो आनंद है वो और भी खुल रहा है। चेहरे पे आनंद और बढ़ रहा है, चेहरे पे आनंद और बढ़ रहा है, होठों में विलगता और बढ़ रही है, पूरा चेहरा स्माइल से भर रहा है। ये आनंद के पार्टिकल्स, स्माइल के पार्टिकल्स इन्हेल के साथ अंदर आ रहे हैं। आनंद तो पहले ही शरीर में, आनंद के पार्टिकल पहले से हैं, उन पार्टिकल के साथ ये इन्हेल स्माइल पार्टिकल्स जुड़ जाते हैं, दोनों की वाइब्रेशंस एक होती है, रेजोनेंस हो रहा है, गति एक है तो ताकत बढ़ रही है, स्माइल और बढ़ रहा है, और स्माइल बढ़ रहा है, बहुत चेहरे पे इतना स्माइल। ये चेहरा बॉडी, शरीर और मन का जोड़ने वाला हिस्सा है। चेहरे पे जो कुछ आता है, माइंड में कुछ हो रहा है, उस चेहरे पे आता है, बॉडी पे कुछ होता है चेहरे पे आता है। तो अभी चेहरे पे आनंद स्माइल की भावना ये बॉडी में भी जा रही है, बॉडी आनंदित हो रही है, स्माइली हो रही है, मन भी आनंदित स्माइली हो रहा है। चेहरे का कण कण आनंदित हो रहा है, स्माइली हो रहा है, ये स्माइल इतनी बढ़ रही है, उसकी तरंगे अब पूरी बॉडी में पास होती है। इनहेल स्माइल बढ़ गई, एक्सहेल और स्माइल बढ़ गई है, तरंगे पूरी बॉडी में, पैर के अंगूठे तक, पूरी बॉडी में स्माइल, स्माइल पूरी बॉडी में। पूरी बॉडी, पूरे शरीर का अंग प्रत्यंग स्माइल से भर रहा है, हर कोशिका हर पेशी स्माइल से भर रही है। स्माइल स्माइल, अब इतना स्माइल भर गया है, इतना स्माइल भर गया, अब ये स्माइल अब शरीर में रहा नहीं जा रहा, स्माइल की तरंगें बाहर निकल रही है,
स्माइल आ रही है अंदर शरीर में और बाहर भी जा रही है स्माइल की तरंग। मेरे आजू बाजू में अब स्माइल की तरंगे, बाहर मेरे शरीर से बाहर स्माइल की तरंगे, मेरा शरीर स्माइल की तरंगों में झूम रहा है, अंदर बाहर स्माइल है, अंदर बाहर स्माइल है। ये स्माइल का प्रकाश अंदर बाहर, पूरी तरह मेरा मन स्माइल, बॉडी स्माइल। ये स्माइल की तरंगे अब जहाँ जहाँ मेरा मन जहाँ जहाँ जाएगा, मेरी कॉन्शियसनेस जहाँ जहाँ जाएगी, वहाँ ये स्माइल की तरंगे अब वहाँ भी पहुँचेगी मेरे माइंड के साथ। अब मेरे घर में मेरे परिवार के सब सदस्य को मैं देख रहा हूँ, उनके चेहरे को देख रहा हूँ, ये स्माइल का रिफ्लेक्शन उनके चेहरे पे जा रहा है। मेरे घर के सभी सदस्य स्माइल देख रहे हैं, स्माइल। अब मेरी कॉन्शियसनेस मेरे आजू बाजू में आस पड़ोस मित्र परिवार की तरफ सभी मुझे स्माइल दिख रहे हैं, स्माइल। स्माइल और बढ़ रही है, ये स्माइल और बढ़ रही है। मेरे रिश्तेदार जो मेरे सामने मेरे यादों में मेरी कॉन्शियसनेस माइंड की कॉन्शियसनेस उनको देख रही है तो स्माइल 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 दिख रहा है। Everywhere there is smile. मेरे हर एक्शन में स्माइल, मेरे काम काज की जगह में सभी रिलेशनशिप मुझे स्माइल दिख रहा है, आनंद की भावना, कोई सफरिंग नहीं है। कोई सफरिंग नहीं है, सब लोग स्माइल के लिए ही काम कर रहे हैं, आनंद की भावना से काम कर रहे हैं, आनंद के लिए काम कर रहे हैं। अब मैं अपने आप को देख रहा हूँ, मैं बहुत सुंदर दिख रहा हूँ, ये स्माइल मेरे चेहरे पे खिल गई है, मैं बहुत बहुत सुंदर दिख रहा हूँ। मेरा शरीर पूर्ण स्वस्थ है, स्वास्थ्य के सहित स्वस्थ है, हेल्दी है। I am the beauty, I am the strength, I am the power. मैं अपने आप को देख रहा हूँ, मुझ में हर एक पात्रता, इतनी ताकत मैं देख रहा हूँ। मैं अपनी हर इच्छा को, इच्छा की पूर्ति करने की ताकत मुझ में है, यह मैं एहसास कर रहा हूं। मैं एहसास करता हूं इतनी ताकत। मेरा सुंदर हूं, मैं जवान और जवान, यूथ, ब्यूटीफुल यूथ। एक ग्लोरी मेरे चेहरे पे चमक रही है,
मेरा किरदार बढ़ रहा है, एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। ये मैग्नेट लोगों को खींच रहा है। आई एम लविंग, आई एम लवेबल। ये स्माइल अब इतनी बढ़ रही है, मैं अपने आप को एक्सपांड एक्सपांड विकसित विकसित डेवलप डेवलप और होते हुए देख रहा हूँ स्माइल के साथ। हो वो परमेश्वर, वो एक्सिस्टेंस स्पिरिट, वो चेतना जो सर्वव्यापी है, सार्वकालीन है, सार्वदैहिक सार्वजनीन है, उस परमेश्वर के मैं अब दर्शन कर रहा हूँ। मैं उस परमेश्वर के दर्शन कर रहा हूँ, उस चेतना को मैं एहसास कर रहा हूँ, चेतना की अनुभूति। अब तो मैं उस चेतना से जुड़ गया हूँ, पूरा पूरी तरह से मैं उस चेतना से जुड़ गया हूँ। इस चेतना के साथ अब मैं दुनिया को देख रहा हूँ, तो मुझे आनंद 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 स्माइल 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 ही देख रहा है। ये चराचर सृष्टि स्माइल से भरी हुई है, आनंद से भरी हुई है, विजिबल नॉन विजिबल सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया वायरस फंगस, एवरीथिंग लिविंग नॉन लिविंग, पूरी सृष्टि आनंद से भरी हुई है, आनंद के साथ जी रही है। कहीं भी सफरिंग नहीं है, Everywhere smile, smile. He is smiling. Now I am smiling. अब मैं इस जर्नी रियल वर्ल्ड से, इस दुनिया में मैंने स्माइल देखा है, उसकी दुनिया में जीरो वर्ल्ड में भी स्माइलिंग, वहाँ भी ट्रायोजन फोर्सेस जो है, वहाँ भी कंप्लीट फॉर्म में ट्रायोजन फोर्सेस, जीरो वर्ल्ड में ट्रायोजन फोर्सेस बियॉन्ड द वर्ल्ड, प्रोफेसर पार्क ने बताया है, वहाँ भी आनंद 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 सभी जगह आनंद को मैं देखते देखते अभी अब मैं फिर से अपने रियल वर्ल्ड में आ रहा हूँ। फिर से रियल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड की हर चीज़ स्माइलिंग, मेरा पास्ट टेंस मुझे स्माइलिंग दिख रहा है, स्माइलिंग, भूतकाल की सभी यादें स्माइलिंग, उस वक्त भले उसमें सफरिंग हुआ था,
लेकिन वो सफरिंग नहीं था, अब मुझे एहसास हो रहा है, वो भी स्माइलिंग था, उसके पीछे एक स्माइल आने वाली थी। उसी स्माइल ने मुझे उस सफरिंग से बाहर निकाला, वहाँ भी स्माइल थी। प्रेजेंट टेंस आज भी हर जगह मुझे स्माइल दिख रहा है। और मेरे भूतकाल से लेके वर्तमान काल और अब भविष्य को मैं देख रहा हूँ, भविष्य में भी मुझे स्माइल ही दिख रहा है। मेरी अचीवमेंट मुझे दिख रही है, मैं जो चाहता हूँ उसकी सफलता मुझे दिख रही है। सक्सेस मुझे दिख रहा है। मेरा वर्तमान काल, भूत काल, भविष्य काल सब स्माइल से भरा हुआ है, आनंद की भावना से भरा हुआ है। ये स्माइल अब फिर से मैं अपनी बॉडी की तरफ, अपने शरीर की तरफ आ गया हूँ। मेरी कॉन्शियसनेस अब मेरे शरीर में, मेरा मन अब मेरे शरीर के साथ हो गया है। मेरा मन अब शरीर के साथ हो गया है। मैं देख रहा हूँ मेरे शरीर के कण कण स्माइल कर रहे हैं। अब मन भी स्माइल कर रहा है, शरीर भी स्माइल कर रहा है। अब शरीर से जो मैं चाहता हूँ, माइंड उसके साथ रहेगा तो मेरे शरीर की कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी। शरीर और मन दोनों एक हो के अब कार्य करेंगे स्माइल के लिए, स्माइल के साथ। इस अनुभूति को लेके अब आहिस्ता आहिस्ता मैं आंखें खोलने वाला हूँ। उसके पहले मैं उस परमेश्वर से, उस एग्जिस्टेंस स्पिरिट से प्रार्थना करता हूँ। वो मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चले, वो मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, वो मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चले। ओम असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ओम पीस पीस पीस। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं आंखें खोलूँगा और इस दुनिया को, ये दुनिया वंडर है, वंडरफुल है, उसी नज़र से मैं दुनिया को देखूँगा जैसे मैं अभी न्यू बॉर्न हो गया। ये दुनिया मेरे लिए अभी नई है। तो हम लोग अब आंखें खोलेंगे आहिस्ता आहिस्ता और वंडर से देखेंगे अपने आजू बाजू में।